75 पॉलिटिकल पार्टी में से सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन को देखा गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इलेक्शन करते हुए भी 175 पॉलिटिकल पार्टी में से निशान लिया गया। पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक पॉलिटिकल पार्टी के इंटायर लीडरशिप इस वक्त या जेलों में है या वो इन हाइडिंग है। जिस तरीके से इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की जा रही है ये भी सबके सामने है। हम फिर भी इंशाअल्लाह ताला इस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हमें फिर भी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। अगर फ्री फेयर ट्राइब्यूनल के सामने ये केसेस जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। अब हम अदलिया को बार बार रिमाइंड करते रहें कि आप पे हम इतमाद कर रहे हैं, आपसे उम्मीद रखे हुए हैं, मेहरबानी करके अपने ओत कलाज रखते हुए इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए हमारे फंडामेंटल राइट्स को आप प्रोटेक्ट कर ले। और साहब ये बताइएगा, आप कोर्ट में मौजूद थे और आपने ऑब्जर्व किया कि मीडिया को काफी दूर रखा गया, जहां पर यार साहब जब फैसला सुना रहे थे तो उनकी डिटेल जो है वो मीडिया तक नहीं पहुंच पाई। अब तक का सबसे बड़ा सवाल ये है कि किन वजूहात की बिना पर खान साहब और बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई, जो जज साहब ने आपको जज साहब ने कानून यही है कि जज साहब ने आपको कॉपी देनी होती है और आपसे दस्तखत लेना होता है। जज साहब ने न दस्तखत किया और न उसके पास जजमेंट मौजूद थी। उसने जबानी हमें ये कहा कि आपके पास जो रिलायंस है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक इद्दत की 39 दिन है, चूँकि वो जनरल किस्म का ला है, उसमें स्पेसिफिक नहीं है बल्कि और सरकमस्टांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए एक तो ये वजह उसने बताई है कि वो जजमेंट अप्लीकेबल नहीं है। दूसरा उसने कहा कि आपने जो अपनी 342 की स्टेटमेंट में लिखा है तो आपने दुआ के लिए आपने सेकंड फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट किया है। हमने कोर्ट को ये कहा था कि इद्दत के बाद की पीरियड में 1 जनवरी को निकाह हुआ है और खान साहब ने अपने बच्चों को इतमाद में लेने के लिए और इतमाद में लेने के बाद एक सेकंड फंक्शन हमने फैमिली में अरेंज किया था, जिस तरह रुस्खती होती है तो हमने वो फंक्शन अरेंज किया है, लिहाजा वो बच्चों को बताने के लिए था और उनको इतमाद में लेने के बाद हमने करना था, तो दुआ के लिए एक फंक्शन अरेंज हुआ है, उसमें निकाह नहीं हुआ है, क्योंकि निकाह के लिए निकाहनामा भी एक है और उसका कोई दूसरा सबूत नहीं है कि जिसमें निकाह पढ़ाया गया हो। लेकिन उस फंक्शन को जज साहब ने कंसिडर किया कि ये निकाह है, तो उसने कहा मैंने उसको कंसिडर किया कि ये दूसरा निकाह इस डेट को हुआ है, तो पहले वाले को मैंने सेकंड मैरिज को मैंने वैलिड कंसिडर किया और पहले वाले को मैंने इनवैलिड कंसिडर कर लिया, लिहाजा मैं 7 साल की सजा देता हूँ, 5 लाख रुपए की जुर्माना करता हूँ और जुर्माने की आदमी अदायगी में 4-4 महीने की मैं सजा देता हूँ। और मैंने उनको यही कहा कि आपने मायूस किया और जो सजा भी आपने दी है वो मैक्सिमम सजाएं दी है, हमें नेब में भी सजा हुई तो मैक्सिमम, दूसरी जुर्म में सजा हुई तो मैक्सिमम, इसमें भी सजा हुई तो मैक्सिमम, जजेस को जल्दी कितनी थी वो सब आप लोगों ने देखा और आपकी पार्टी के आज मीडिया को भी उस कोने में नहीं रखने दिया गया जिसमें मीडिया हुआ करता है। लेकिन दिस इज़ हाउ इट वर्क्स और अदलिया को यही हम रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं कि आप इसका कुछ कर ले। लेकिन पब्लिक से खान साहब के लिए ये पैगाम है, अपने वोटर सपोर्टर कैंडिडेट्स के लिए ये पैगाम है, पुरमन रहो, बर्दाश्त करो, तहम्मुल करो। खान साहब कह रहे हैं 1000 साल मैंने यहाँ रहना हुआ तो मैं रहूँगा, मैंने इंशाल्लाह डील शील कोई नहीं करनी, अगर करनी है मेरी डील तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए मैंने डीलें करनी है, पाकिस्तान के मुफाद में करनी है। 8 तारीख को निकलो, फुरमन रहो, अपना हक राय दही इस्तेमाल करो, अपने कैंडिडेट को कामयाब करो और अपने फॉर्म 45 लेकर के पोलिंग स्टेशनों से निकलो, तब तक आपने अपना जदोजहद जारी रखना। देखें हम नाम नहीं बता सकते बिकॉज इस वक्त जो सख्तियां हो रही है तो हम चाह रहे थे शायद उन पे प्रेशर डाला जाए, उनको नुकसान पहुंचाया जाए, बट जज साहब को हमने कहा था कि एक घर के मुलाजिम को लाया गया है तो हम भी एक और विटनेस लेके आना चाहते हैं, घर में एक बंदे तो नहीं थे और भी लोग थे तो हमें भी इजाज़त दे दे कि हम भी सिर्फ एक बंदे को लाएँ और वो टेस्टिफाई करें उसने क्या देखा है। और जज साहब से हमने ये रिक्वेस्ट की कि अगर इनका मुलाजिम आकर के यहाँ टेस्टिफाई कर सकता है
और अदालत को, तो आज भी अदालत ने 3 बजे, हमने उनको कहा था हम 9 बजे अपना एविडेंस प्रोड्यूस कर सके, लेकिन हमें अपने गवाह पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। दिस इज़ हाउ दिस ट्रायल हैज़ बीन कम्प्लीटेड। थैंक यू जी। नहीं देखो, वो जज साहब ने निकाह की जरूरत नहीं, तभी उसने कहा कि वो जो मैंने सेकंड हुआ है वो निकाह ही है, वो वैलिड ही है और मैंने उसको वैलिड ही कंसिडर किया, उसकी ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो बीबी को रखा है वो घर में, हमारी तो रिक्वेस्ट यही है और हम अप्लीकेशन भी मूव करेंगे कि आपने बीबी को क्यों रखा है बनिगाला में, उसको तो आपने एक कमरे में रखा है, बंद कमरे में रखा है, उसमें से इवन आपने किचन जाने की इजाज़त नहीं है और उसके सारे शीशे भी काले कर दिए और सिर्फ एक ही कमरा छोटा सा उनके लिए रखा है। तो हमारी रिक्वेस्ट भी यही होगी, हम कोर्ट में भी जाएंगे कि उनको बेशक बाप वापस अडियाला ही ले आए। थैंक यू। मूव करेंगे इंशाल्लाह ताला, हाई कोर्ट में मूव करेंगे और बहुत जल्द मूव करेंगे। जो हाई कोर्ट की अगर छुट्टियां नहीं है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करेंगे। नहीं, उसी वक्त भी हमने कहा था कोई डील की वजह नहीं, हमारी पहले सी एप्लीकेशन गई थी कि इसको बनिगाला में रख ले, खुद उन्होंने कर दिया था, और न डील की वजह से यहाँ और वहाँ जानने में कोई है कोई डील की।